और उसके गुर्गों ने कैसे उमेश पाल को किडनैप किया था ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ये पूरी घटना मीनाक्षी 28 फरवरी 2006 को दोपहर 3 बजे की है। उमेश पाल अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे प्रयागराज के सुलेम सराय फांसी इमली के पास। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने पहले लैंड क्रूजर से उनका रास्ता रोका, गाड़ी से रास्ता रोका। इसके बाद अतीक के गुर्गों की एक और गाड़ी पीछे से आई, मोटरसाइकिल से उमेश पाल को उतारा गया, गन पॉइंट पर यानी कि पिस्तौल की नोक पर जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में अतीक और उसके साथी राइफल लेकर पहले से ही मौजूद थे। FIR के मुताबिक अतीक और उसके गुर्गे जो हैं उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उमेश पाल को रास्ते भर मारते पीटते और चकिया दफ्तर लेकर पहुंचे जहां उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। अतीक ने अपने वकील से एक पर्चा लेकर उमेश पाल को दिया, ब्लैंक पेपर था दरअसल वो, और कहा कि इस पर जो लिखा है इसको पढ़ लो और साइन कर दो, कल अदालत में यही बयान देना होगा, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दी जाएगी। तो इस तरह से किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इस पूरे खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। MP MLA कोर्ट से रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कुमार सोनू नैनी जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार आप ये बताएं कितने बजे इन आरोपियों को यानी अतीक अशरफ और साथ ही एक और जो इस जेल में बंद है कितने बजे इन्हें कोर्ट लेकर आया जाएगा, क्या रूट अपनाया जाएगा? देखिए अभी कोर्ट का टाइम जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 11:30-12 बजे के बाद जो है अतीक अहमद और अशरफ को कड़ी सुरक्षा के बीच में नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट ले जाया जाएगा। दरअसल जिस जेल वैन में प्रयागराज की नैनी जेल से जो है ले जाया जाएगा अतीक अहमद और अशरफ को वो पूरी हाई सिक्योरिटी से लैस है, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ताकि जब वो ऑन रूट हो तो उस दौरान भी अशरफ और अतीक अहमद पर जो पुलिस प्रशासन है वो कड़ी नजर रख सके। इसके साथ साथ पूरे रूट पर जो है चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती की गई, अधिकारी जो है वो लगाए गए हैं। जिन CO की निगरानी में अतीक अहमद को यहां से प्रयागराज कोर्ट ले जाया जाएगा वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब इंतजार सिर्फ कोर्ट के समय का है तो माना जा रहा है कि तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास जो है कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उस दौरान तकरीबन आधे से पौना घंटा पहले यानी कि तकरीबन 30 से 35 या 40 मिनट पहले जो है वहां पर ले जाना जरूरी होगा। तो इसको तस्वीरें दिखा दें, ये नैनी जेल की तस्वीरें हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा है। आप देखिए कि जो मुख्य द्वार है मुख्य गेट है वहां पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान PAC के जवान जो है यहां पर तैनात किए गए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिलहाल अतीक अहमद की बात करें तो पूरी रात जो है वो नैनी जेल में सो नहीं पाया। आमतौर पर आम कैदियों के लिए जो व्यवस्था की जाती है जमीन पर जो है बिस्तर लगाया जाता है उसी तरह की व्यवस्था थी, लेकिन पूरी रात वो सोया नहीं, अपने जो है सेल में वो टहलता रहा। उसके बाद सुबह 4 बजे के करीब जो है उसने सरदर्द की शिकायत की अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी से और ये कहा कि वो बाहर कुछ देर के लिए टहलना चाहता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उसे जो है बाहर टहलने के लिए इजाजत नहीं दी गई। वहीं अगर अशरफ की बात करें तो दोनों भाइयों को अलग अलग सेल में रखा है, लेकिन दोनों भाइयों की जो सेल है वो हाईटेक सेल है और सुरक्षा के लिहाज से जो है वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। फिलहाल बिल्कुल कुमार सोनू, अतीक अशरफ और एक और आरोपी फरहान को आज जब पुलिस लेकर जाएगी तो जो पूरा रास्ता रहेगा नैनी जेल से MP MLA कोर्ट तक उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कोर्ट से वक्त का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि कब लेकर जाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।